नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर की भर्ती निकाल दी है। आपका एग्जाम होगा अक्टूबर 2022 में, उसके बाद आपका पीईटी पीएमटी होगा, साथ में आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। इस सब चीजों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने और वैकेंसी है वायरलेस ऑपरेटर टेली प्रिंटर ऑपरेटर की। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 29 जुलाई। 29 जुलाई तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और चालान भी जनरेट कर सकते हैं, वही फीस आप जमा करा सकते हैं 30 जुलाई तक। एग्जाम आपका रहेगा अक्टूबर में, साथ ही आप 2 अगस्त तक करेक्शन अगर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अक्टूबर में आपका एग्जाम रहने वाला है और पूरे भारत में इसके सेंटर बनाए जाएंगे। वेबसाइट की बात करें तो ssc.nic.in वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहां से भी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। बात करें अगर हम सैलरी की, तो सैलरी आपको मिलेगी 25,500 वाले ग्रेड में और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 40,000 रुपए महीने। शुरुआत में ही आपको लगभग 40,000 से 42,000 रुपए महीने मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मेल की वैकेंसी के बारे में। फीमेल के बारे में आगे बात करेंगे, तो मेल की सामान्य यानी जनरल की वैकेंसी 213 है, ईडब्ल्यूएस की 88, ओबीसी की 128, एससी की 106, एसटी की 68, टोटल वैकेंसी है 573। ये है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो सामान्य की 107, ईडब्ल्यूएस की 29, ओबीसी की 63, एससी की 52, एसटी की 33, टोटल वैकेंसी है 284। जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही लगेगा। एज लिमिट की बात करें तो 28 से लेकर 27 साल होनी चाहिए, 1/7/2022 को काउंट की जाएगी, यानी आपका जन्म 2/7/1995 से लेकर 1/7/2004 के बीच में हुआ हो। इसमें भी अपर एज में रिलैक्सेशन एसएसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का दिया जाएगा। और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो सेंट्रल की जो लिस्ट है उसमें जो ओबीसी वाले हैं उनको और जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की लिस्ट है ओबीसी वाली, उन दोनों को दिया जाएगा। तो अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में हैं, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट में हैं, भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं और आपकी कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट में है, आपको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। बात अगर हम करें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें 2 टाइप की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पहली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अंतर्गत आप 12th पास होने चाहिए साइंस और मैथ के साथ, या फिर आपने 10th के बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, आईटीआई आपने करी है एनसीबीटी वाली, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि या तो आपने 12th पास कर रखा हो मैथ और साइंस के साथ, या फिर आपने 10th के बाद आईटीआई कर रखी हो मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको कंप्यूटर पर एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग करनी होगी AKR की डिप्रेशन की 15 मिनट में, साथ ही आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की जो आपकी योग्यता है उसको परखा जाएगा। इसमें आपको कंप्यूटर को खोलना बंद करना यानी ओपनिंग क्लोजिंग, प्रिंटिंग, MS ऑफिस का यूज, सेविंग एंड मॉडिफिकेशन इन टाइप टेक्स्ट, इसके अलावा पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग ये आपसे करवाई जाएगी। तो 15 मिनट का वर्ड प्रोसेसिंग का अलग टेस्ट होगा और आपका दूसरा टेस्ट होगा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, ये आपसे करवाया जाएगा। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ही रखा गया है, हालांकि कंप्यूटर में सर्टिफिकेट होना आवश्यक नहीं है। जो कैडेट एनसीसी का सर्टिफिकेट रखते हैं उसमें सी सर्टिफिकेट वालों को 5%, बी सर्टिफिकेट वालों को 3% और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए रखी गई है। इसमें भी सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट फी जमा कराएंगे, बाकी जमा नहीं कराएंगे। अगर आप फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 2 अगस्त तक कर सकते हैं, आपके लिए विंडो खुली रहेगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पूरे भारत में बनाए गए हैं डिफरेंट टाइप के, आप चाहे जहां चाहे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको वही एग्जाम देने जाना होगा, जो आपका पीटी पीएमटी होगा वो दिल्ली में रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें यानी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 100 नंबर का। क्वालिफाई होने के बाद आपको फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो 100 नंबर का रहेगा, 1.5 घंटे में आपको करना है 90 मिनट में, और इसमें पास होने वाले 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पीटी पीएमटी के लिए, ये दिल्ली पुलिस करवाएगी। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वो भी दिल्ली पुलिस करवाएगी। उसके बाद होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, वो भी दिल्ली पुलिस करवाएगी। और ये सब क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। सिर्फ जो 100 नंबर हैं रिटन एग्जाम के
उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, 25 होंगे जनरल साइंस के, 25 होंगे मैथ के, 20 होंगे रीजनिंग के, 10 होंगे कंप्यूटर नॉलेज के, और इसका जो सिलेबस है वो 12th लेवल का रहेगा। तो मैथ और साइंस आपकी 12th लेवल की रहने वाली है, साथ ही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज ये भी आपसे पूछी जाएगी। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा तब कैंडिडेट को 20 गुना की संख्या में बुलाया जाएगा पीटी पीएमटी के लिए। अब बात कर लेते हैं दौड़ भाग की और नाप तौल की। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मेल कैंडिडेट को दौड़ना होगा 1600 मीटर 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 12.5 फीट और हाई जंप 3.5 फीट की करनी होगी 30 साल एज लिमिट वालों को। इसके अलावा जो एक्सेसमेंट वगैरह है उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको 800 मीटर दौड़ना होगा 5 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट, ये आपके लिए रहने वाला है। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें नाप तौल की, तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा हिली एरिया वाले कैंडिडेट को, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको छूट मिलेगी, लेह लद्दाख वालों को भी छूट मिलेगी, लेकिन उनको सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के पर्सनल के बेटा बेटी हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चेस्ट मिनिमम 81 सेंटीमीटर, फलाने के बाद ये हो जाए 85 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर का कम से कम एक्सपेंशन होना चाहिए, यह भी 5 सेंटीमीटर रिलैक्स रहेगी हिली एरिया वाले कैंडिडेट के लिए और जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं लोग उनके बेटों के लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा हिली एरिया वालों को और दिल्ली पुलिस के जो बेटियां हैं उनको। बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आंखें आपकी 6x6 उंची विदाउट ग्लासेस, वर्साई जो कि ग्लासेस के साथ करेक्टेड है 6x36 तक उनको अलाउ किया गया है, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं हो। तो वो कैंडिडेट जो चश्मा लगाते हैं वो भी अलाउ किए गए हैं, लेकिन उनको नापतौल और दौड़ भाग पूरी करनी होगी। जब आप फिजिकल में पास हो जाएंगे नापतौल आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपको पढ़ना होगा और डिक्टेशन देनी होगी, यानी वायरलेस पे आपको कोई संदेश सुनाया जाएगा, आपको उसको लिखना है और सामने पास करना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि आप कितना समझ पाते हैं सामने वाले की बात को। क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर की जो जॉब होती है उसमें मेनली आपको मैसेज रिसीव करना है और आगे फॉरवर्ड करना है, तो ये आपका टेस्ट रहने वाला है। और इसमें आपको कम से कम 50% नंबर लाने होंगे, यानी आपको कम से कम 50% मैसेज सही सही आगे भेजने होंगे। हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, और जो कैंडिडेट 50% से ज्यादा गलती करते हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद होगा आपका कंप्यूटर ऑपरेशंस टेस्ट, इसमें आपको टाइप करना होगा 200 वर्ड करीब आपको टाइप करने होंगे, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 200 वर्ड आपको करने होंगे एक, और आप इसमें मैक्सिमम 25 मिस्टेक कर सकते हैं, यानी एक वर्ड के लिए एक मिस्टेक काउंट की जाएगी, 200 में से आप मैक्सिमम 25 मिस्टेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस का टेस्ट होगा, जिसमें एमएस वर्ड में अंडरलाइन करना, डिफरेंट टाइप की फॉन्ट को यूज करना, ये सब आपको करना होगा, और आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट का। पावर पॉइंट में आपको स्लाइड बनानी होगी, 5 मिनट का टाइम मिलेगा। एमएस एक्सेल में आपको एक्सेल जनरेट करके उसमें टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा, ये आपको 5 मिनट में करना होगा। इसमें कोई गलती अगर आप करते हैं तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। इन सब में क्वालिफाई होने के बाद आपको आपके रिटन एग्जाम की मेरिट के बेस पर फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा और तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। साथियों यह थी जानकारी दिल्ली पुलिस वायरलेस ऑपरेटर भर्ती 2022 के बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।